Too many thoughts on my mind, I can't sleep at night, so I just keep writing. I don't need no help, I don't need opinions, so don't waste my time then. तो जी हाँ गाइस, मैं आ चुका हूँ एक और माइनक्राफ्ट की वीडियो के साथ। आज के इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ कि आप ग्राउंड से इलाइट्रा कैसे यूज़ कर सकते हो बिना किसी ब्लॉक को रखे, और कैसे भी मतलब जो हम करते हैं उसके बिना एकदम जमीन से, जैसे जावा एडिशन में लोग उड़ाते हैं। तो पहले मैं वर्ल्ड बना लेता हूँ आपको दिखाने के लिए, और मैं आपसे वर्ल्ड बना के मिलता हूँ। तो गाइस मैं एक फ्लैट वर्ल्ड बना रहा हूँ जिससे आपको मैं अच्छे से दिखा पाऊँ। उससे पहले मैंने वर्ल्ड बनाया था ना, तो उसमें पेड़ ही पेड़ आ रहे हैं, तो मैं फ्लैट वर्ल्ड ही बना लिया। तो हम इलाइट्रा ले लेंगे और फायरवर्क्स ले लेंगे। तो गाइस मैंने एक फ्लैट वर्ल्ड बना लिया है शेडर्स के साथ। तो सबसे पहले हम अपनी इलाइट्रा और फायरवर्क ले लेते हैं। तो इलाइट्रा ले ली, और गाइस आपको फायरवर्क्स जो लेने हैं ना वो सिंपल वाले लेने हैं, एकदम कोई कलर नहीं होना चाहिए उनमें, वरना शायद डैमेज आता है, लेकिन सही से नहीं उड़ते हैं उससे, और कलर आता रहता है ना। तो अब सर्वाइवल कर लेता हूँ। सामान लेने के लिए क्रिएटिव किया था मैंने, तो मैं एकदम जमीन से उड़ के दिखाऊँगा आपको। तो अब पहले मैं टीवी भी कर लेता हूँ। तो आपको पहले इलाइट्रा पहन लेनी है, और आपको ना क्राउच करके आपकी इलाइट्रा खुल जाएगी। तो अब ये बंदा नाच रहा है तो उसको इग्नोर करना। ये मैंने एक पैक डाल रखा है सालू डाइमोड का। तो अब मैं पहले एफपीपी कर लेता हूँ। तो गाइस कुछ लोग तो ऐसे करते हैं ब्लॉक से, तो मैं पहले वो वाला करके दिखा। तो गाइस मैंने एक टावर सा बना लिया आपको दिखाने के लिए, लोग ऐसे उड़ते हैं ऐसे करके। तो बाकी टावर से मैं गिर गया था, तो ऐसे मैंने काट दिए इसलिए बेइज्जती ना हो जाए इसलिए। तो ऐसे लोग उड़ते हैं बाकी तो, लेकिन मैं ना एकदम जमीन से उड़ के दिखाऊंगा आपको। तो सबसे पहले आपको क्या करना है मैं अभी करके दिखाता हूँ। पहले आपको क्राउच कर लेना है, और मैं फर्स्ट पर्सन हो गया है, क्राउच करना है, हाथ में फायरवर्क्स लेना है, लेफ्ट हैंड से होल्ड करना है उसे। तो जैसे ही आपको जंप वाला बटन दबाते रहना है, और एकदम से आपको लेफ्ट वाले हैंड से वो करना है। तो अभी मैं खाली जंप करके दिखा रहा हूँ। तो ऐसे आप फायरवर्क छोड़ दो ना अपने, और आप उड़ने लगोगे। तो सबसे पहले मैं अभी फर्स्ट पर्सन कर लूँगा, क्योंकि हो नहीं रहा है ऐसे। तो फर्स्ट जंप करनी है और आपको फायरवर्क छोड़ने हैं। तो देखो उड़ने लगेगा अब। तो जंप करी, फायरवर्क छोड़ा, और देखो ये उड़ने लगा। ऐसे ही करना होता है, बस इजी है बहुत। एक फिर बार में फायरवर्क्स देते रहो, जब तुम्हें लगे कि वो नीचे आ रहा है, तो फिर ऐसे ही करना होता है। तो अभी मैं और अच्छे से समझाऊँगा आपको। तो गाइस मैंने फिर से क्राउच कर लिया है, और आपको इसकी बहुत प्रैक्टिस की ज़रूरत है। तो जंप लगानी है, और फिर अपना फायरवर्क से होल्ड करके रखना है, तो आप उड़ने लगोगे। तो इजी है, लेकिन थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए। जब मैं कर रहा था फर्स्ट टाइम, तो मैं भी नहीं कर पा रहा था। अभी भी मैं पूरा एकदम प्रो नहीं हूँ इसमें, अभी भी मेरे को सही से नहीं आता है। तो बस मैं आपको सिखा रहा हूँ थोड़ा सा। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर देना। तो बैठना है, और मैं थर्ड पर्सन में ट्राई करता हूँ हो जाए तो। तो बैठना है और जंप लगाते रहना है। तो फर्स्ट पर्सन में ही कर लेते हैं फिर से। तो ऐसे बहुत ज़्यादा बार आप प्रैक्टिस कर लेना, पहले क्रिएटिव में, और फिर आप सर्वाइवल में करना। और वरना आप अगर गिर जाते हो मर जाते हो, तो आपका लेवल वगैरह जा सकता है। तो पहले प्रैक्टिस कर लेना अलग वाले वर्ल्ड में, तब जाके अपने सर्वाइवल वर्ल्ड में करना इसे। तो जैसे मैं देख सकते हो, अब मैं उड़ रहा हूँ अच्छे से, और उसकी ज़रूरत भी नहीं पड़ रही है ब्लॉक की। तो गाइस आज की वीडियो में इतना ही, हम मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर वीडियो छोटी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना। बहुत मेहनत लगती है यार वीडियो बनाने में। तो गाइस चलो बाय बाय। रुको रुको रुको, मैंने लास्ट में इसको थर्ड पर्सन में भी किया है देखो। तो अब असली वाला बाय बाय।